नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। आलोक अड्डा इस वक्त मेरे YouTube चैनल वन आलोक जोशी के अलावा आप satyahindi.com पर भी देख रहे हैं। और satyahindi.com को आप दर्शकों का बहुत समर्थन मिला है, बहुत सहयोग मिला है और सच की ये मुहिम तेजी से चल रही है, लेकिन अभी और बहुत सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है। कैसे आप सहयोग कर सकते हैं, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखें तो वहां एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को क्लिक करने से आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे सहयोग कर सकते हैं। और आज आलोक अड्डा पर हम चर्चा कर रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर। विषय महत्वपूर्ण है, विषय पर चर्चा भी बहुत कम होती है, इसीलिए मैंने चार मेहमान, तीन मेहमान हैं मेरे साथ और तीन के बाद मैं भी जुड़ जाता हूं, तो हम चार पत्रकार इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा यह है कि इस वक्त देश में जो राजनीतिक माहौल चल रहा है, जो सामाजिक माहौल चल रहा है, उसके बीच में कोई पत्रकार अपने विचार भी रखता रहे, अपनी पत्रकारिता भी करता रहे, ये कैसे संभव है? कहाँ जाकर वो लकीर धुंधली पड़ जाती है या गायब हो जाती है, जो एक पत्रकार को एक पक्षकार होने से रोकती है। हालांकि पक्षकार मैंने थोड़ा सॉफ्ट शब्द इस्तेमाल किया है, आजकल तो लोग पक्षकार के साथ पत्तलकार, प्रेस्टिट्यूट जैसे शब्द इस्तेमाल करने लगे हैं और उनके सबके पास अपने अपने जस्टिफिकेशन हैं। और मीडिया को गोदी मीडिया, आदिभक्त मीडिया, इस तरह के अलंकरणों से भी नवाजा जाने लगा है। तो तीन मेहमानों से आपका मैं पहले परिचय करा दूं। कुमार केतकर साहब हैं हमारे साथ, जो बहुत जाने माने महाराष्ट्र के तो बहुत ही चोटी के पत्रकार हैं, भारत के टॉप के पत्रकारों में इनका शुमार होता है और अब ये राज्यसभा के सदस्य हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ काफी समय इन्होंने CNBC आवाज में काम किया है। आप इन्हें तमाम चैनलों पर इस वक्त एक्सपर्ट के तौर पे देखते हैं और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन के साथ भी जुड़े हुए हैं। आशुतोष हैं, जो satyahindi.com के फाउंडर एडिटर हैं, वर्षों पहले टेलीविजन जर्नलिस्ट रहे, 25 साल पहले हम दोनों साथ काम करते थे। उसके बाद इन्होंने राजनीति में एक पारी खेली, आम आदमी पार्टी में गए, वहां चुनाव भी लड़ा, वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद इन्होंने, इनका राजनीति से मोहभंग हुआ, ये वापस पत्रकार बन गए हैं। लेकिन अब सवाल ये है, और ये सवाल मैं सबसे पहले हमारे बीच सबसे वरिष्ठ कुमार केतकर साहब हैं, उनके पास लेकर जाऊंगा। केतकर साहब, आपने बहुत लंबे समय तक पत्रकारिता की है, लगभग सब पर सवाल उठाया होगा, उसके बाद आज आप एक पक्ष में चले गए हैं। क्या आपको लगता है कि एक पत्रकार रहते हुए मनुष्य एक किसी राजनीतिक विचारधारा को भी साथ में चला सकता है? क्या पत्रकार और पक्षकार के बीच में कोई भेद होता है या नहीं होता है? क्या इंसान को अपनी राजनीति और अपनी पत्रकारिता अलग-अलग रखनी चाहिए? क्या ऐसा किया जा सकता है सचमुच, या ये सिर्फ कहने की बात है? ये कहने की बात नहीं है, हो सकता है, लेकिन एक जो फर्क किया जाना चाहिए, राजनीतिक विचारधारा एक बात है और राजनीतिक पक्ष अलग बात है। राजनीतिक विकास विचारधारा जो होती है वो हर एक पत्रकार को होती है, जो कहते हम नहीं है, हम बहुत ऑब्जेक्टिव और न्यूट्रल है, ऐसा नहीं हो सकता है। हर एक पत्रकार की कोई ना कोई विचारधारा होती है और उसमें मुझे कोई गलती नहीं लगती है। मेरे बारे में आपने कहा कि मैं कांग्रेस का राज्यसभा सदस्य था, लेकिन आपको शायद ये पता नहीं होगा कि जब मैं कम से कम 45 ईयर्स तक पत्रकारिता करता रहा, ज्यादातर मराठी, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी था, इकोनॉमिक टाइम्स में भी था, तब मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स, न्यूज आइटम्स जिनको कांग्रेस के खिलाफ कहा जा सकता है ऐसे किए हैं। बहुत सारे एडिटोरियल्स मैंने कांग्रेस के खिलाफ लिखे, वो कांग्रेस पक्ष है। लेकिन जो विचारधारा की बात है, मैं पंडित नेहरू की और महात्मा गांधी की विचारधारा मानते हुए ही आया हूं। वैसे मैं विचारधारा में कार्ल मार्क्स को मानता हूं, लेकिन अपने देश में राजनीतिक विचारधारा जो है वो मैं महात्मा गांधी और पंडित नेहरू की मानता हूँ, और वो राजनीतिक विचारधारा मानने में मुझे कोई गलती नहीं आई पत्रकारिता में, कांग्रेस पे बहुत सारी क्रिटिसिज्म करते हुए। तो मुझे लगता है कि पक्ष की विचारधारा और फिलोसॉफिकल विचारधारा, ये फर्क है। और ये तत्वज्ञान की विचारधारा और एक पार्टी की जो लाइन होती है, पार्टी की हमेशा एक पॉलिसी होती है। एक ही उदाहरण देखिए, मैं ज्यादा टाइम नहीं ले लूंगा, कि जैसे 1991 तक, जो 1991 डॉक्टर मनमोहन सिंह की विचारधारा जागतिकीकरण की हुई, उदारमतवाद हुई, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, तब बहुत सारा फर्क आ गया कांग्रेस में।
अभी कोई जो नेहरू वादी लाइन वाला है वो हो सकता है कि वो विचार नेहरू का है, लेकिन ये लाइन के खिलाफ है। लाइन अलग है, विचारधारा अलग है। मैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का समर्थन करता रहा, लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कालानुरूप पंडित नेहरू की विचारधारा में ही काम कर रहे हैं। लेकिन जिसको ऐसा लगा उनको भी मैं मानता हूँ, जिनको ऐसा लगा कि मैं भी नेहरूवादी हूँ लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह वो विचारधारा बदल रहे, तो उनका विचार भी हो सकता है। लेकिन ये फर्क करना चाहिए कि पक्ष की लाइन, पार्टी लाइन और पॉलिटिकल फिलोसॉफिकल लाइन, ये दोनों एक नहीं मानना चाहिए। मैं कांग्रेस का राज्यसभा सदस्य जरूर हूँ, लेकिन मेरी विचारधारा जो है वो गांधी नेहरू की है, पार्टी लाइन नहीं है। ये अच्छी बात आपने कही। अब आशुतोष, आप तो राजनीति कर भी आए, राजनीति कवर भी करते रहे, और आपका मन करे कि आप लेफ्ट पार्टियां कवर करते थे, आप यूनाइटेड फ्रंट कवर करते थे, और उसके बाद आपने आम आदमी पार्टी में काम कर लिया। आज की तारीख में आपके अपने विचार और आपकी पत्रकारिता, ये दो अलग अलग चीजें हैं, या जो लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप घोर मोदी विरोधी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, ये बात सही है? अभी आलोक, जो अभी जो कुमार जी ने जो बात कही है, मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। मेरा अपना मानना यह है कि पत्रकार भी थे, पक्षकार भी थे और पत्तलकार भी थे, ये तीनों ही थे। ऐसा नहीं है कोई आज की तारीख में कोई नए ये उभर के सामने आए हैं। फर्क क्या आया है? फर्क ये आया है, जो कड़वा सच है 2014 के बाद से, कि अब जानबूझकर पत्रकारों को डिस्क्रेडिट करना है, एक खास विचारधारा को आगे बढ़ाना है और दूसरी विचारधारा के लोगों को टारगेट करना है और उनको इस कदर ह्यूमिलिएट करना है, इंटिमिडेट करना है कि आप उसकी कोई सीमा रेखा नहीं बच गई। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी तो दंगों के कवरेज करने की एक लक्ष्मण रेखा हुआ करती थी। आप हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते थे, टीवी चैनल्स पर वो लोग जो आरएसएस के लोग भी हुआ करते थे या बीजेपी के लोग भी होते थे, वो लोग भी हिंदू मुसलमान शब्दों का प्रयोग करने से परहेज करते थे। आज की तारीख में, कल मैं अभी अपने मित्र अर्णब गोस्वामी को देख रहा हूँ, जिस भाषा का इस्तेमाल उन्होंने सोनिया गांधी को लेकर किया है, इस भाषा का इस्तेमाल अगर उन्होंने आज से 10 साल पहले किया होता तो निश्चित तौर पर उनकी नौकरी चली गई होती और उनके खिलाफ FIR जो दर्ज हुई, वो तो एक अलग मसला है। लेकिन ऐसा कोई शख्स जो एक टीवी चैनल का मालिक हो, टीवी चैनल का पत्रकार हो, जिसने अच्छी पत्रकारिता की है, अर्णब गोस्वामी ने खराब पत्रकारिता नहीं, अच्छी पत्रकारिता की है, वो कैसे ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है जो आउट एंड आउट नकल प्रोवोकेटिव नहीं है, वो धार्मिक आधार पे लोगों को भड़काने वाली बातें वहां पर है। तो हमने लेफ्ट के पत्रकारों को भी देखा है, हमने राइट के पत्रकारों को भी देखा है। इनमें से वो लोग नहीं हुआ करते थे जो समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत फैलाया करते थे। आज टीवी चैनल के ऊपर एंकर, एडिटर खुलेआम नफरत फैलाते, खुलेआम, और मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन खुलेआम नफरत फैलाते हैं। न केवल नफरत फैलाते हैं बल्कि उनको डिफेंड करने वाले लोग भी पैनल में 3 मौजूद होते हैं। ये जो लाइन है ये बड़ी खतरनाक लाइन, और अगर उनमें से किसी आदमी ने नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी या सरकार की आलोचना कर दी तो एक तरह भेड़ियों की तरीके से उनके ऊपर कूद पड़ते हैं। आज की तारीख में अगर कोई कश्मीरी है तो वो देश का देशद्रोही है, उसको टीवी चैनल पर बोलने नहीं दिया जाता। अगर कोई मुस्लिम है तो उसको टीवी चैनल पर कोई बोलने नहीं देता है, उसको उसको ऐसा लगता है जैसे वो अपराधी है इस देश का। तो सवाल यहाँ पे आके रुक जाता है कि ये 2014 के बाद से क्यों हुआ है, और जो हुआ है वो देश के लिए भी खतरनाक है, पत्रकारिता के लिए भी खतरनाक है। और आज की तारीख में मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, मैं ये भी नहीं कहूंगा इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि वक्त आने पर ये लोग समझेंगे और इस बात को महसूस करेंगे कि क्यों इनकी पत्रकारिता और क्यों इनकी बातें जो है वो देश के लिए भी खतरनाक है, हिंदू समाज के लिए भी खतरनाक है, भारतीय सभ्यता के लिए भी खतरनाक है। और ये पत्रकारिता तो खैर छोड़ दीजिए, आप जो कह रहे हैं कि वक्त आएगा और लोग समझेंगे और ये समझेंगे, इस पे मुझे जरा संदेह है। मैं हर्षवर्धन आपके पास आता हूँ और ये बताता चलूं कि हर्षवर्धन जो टिप्पणी करते हैं, ये अपने YouTube चैनल चलाते हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी के नाम से ही, उसमें भी आप देखें तमाम इनके समर्थक हैं, प्रशंसक हैं, बहुत सारे लोग आते हैं और मुझको भी अक्सर ऐसे लोग हैं जो मुझे भी टैग करते हैं, इनको भी टैग करते हैं, साथ साथ सवाल पूछते हैं कई बार कि इस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं। और माना यह जाता है आमतौर पर कि हर्षवर्धन आप कंस्ट्रक्टिव बात करते हैं, आज की तारीख में कंस्ट्रक्टिव बात का अर्थ होता है कि सरकार की अच्छी बात को अच्छा कहें, आप सवाल भी उठाते हैं, ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं पूछते हैं। लेकिन जो आशुतोष कह रहे हैं कि वक्त आएगा और तब ये लोग समझ जाएंगे, क्या ये उम्मीद करनी चाहिए? हम पहले भी ये सोचते थे,
खास तौर पे टेलीविजन चैनलों के एंकरों के बारे में, मैं खुद टेलीविजन चैनल पर एंकर रहा हूँ, मैं डिबेट शो करता रहा हूँ, लेकिन मैंने एक एक तरह का रिस्क लिया था, वो रिस्क काम कर गया, ये अलग बात है कि दर्शकों को वो शो पसंद आया, लोग अच्छी संख्या में देखते थे, लेकिन बाकी ज्यादातर लोग, अभी जिन लोगों की बात हुई कि पत्रकार हैं, पक्षकार हैं, उनको छोड़ के, क्योंकि ये लोग बहुत से ऐसे नहीं है जो कमिटमेंट के साथ किसी पार्टी के साथ, विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, फिर क्या चीज है जो इन्हें ये करने पर ड्राइव कर रही है कि ये नफरत फैला रहे हैं इस अंदाज में, जैसे इन्हें लगता है कि अगर पूरे देश में आग लगेगी तो ये किसी बबल के अंदर बचे रह जाएंगे, क्या वो क्या चीज है जो इनको प्रेरित कर रही है, ये बताइए। आलोक जी, मूल जो ये आपने कहा कि प्रेरित क्या कर रही है, तो इसके लिए तो मुझे लगता है कि मुझसे बहुत ज्यादा समझ आशुतोष को और केतकर साहब को है, क्योंकि आप तीनों लोग अलग अलग जगहों पर, दोनों लोग तो टीवी में बहुत, केतकर साहब तो खैर प्रिंट में ही रहे, लेकिन वो कुछ देखा हुआ है जिससे पता है कि खबरें तय करते वक्त क्या क्या चीजें काम करती हैं, और आप सभी लोग संपादक रहे हैं तो इसलिए बहुत अच्छे से पता है कि न्यूज रूम में क्या क्या चीजें होती हैं जो उस दिन पर टॉप एजेंडा में चली जाती हैं, ढेर सारी कंस्ट्रक्टिव डिबेट वहां से गायब हो जाती है। लेकिन अभी मूल सवाल पे आते हैं, मैंने सोचा कि चूंकि केतकर साहब पैनल में है और मैं उम्मीद करूंगा कि ये चर्चा इस शो का हिस्सा बनी रहेगी, तो मैं केतकर साहब के ट्विटर खाते पर चला गया और मैंने सोचा कि मुझे देखना चाहिए कि केतकर साहब अभी क्या लिख पढ़ रहे हैं। राज्यसभा के सांसद हैं और देश के उन पत्रकारों में हैं जिनका हम भी बहुत सम्मान करते हैं। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 5 प्रिंट के सिर्फ संपादकों को बुलाया था, चूंकि मैं उस वक्त रिपोर्टर था, 5 प्रिंट के संपादकों को बुलाया था, तो उसमें से अकेले मराठी के पत्रकार की इतनी प्रतिष्ठा थी कांग्रेस के राज में। जब मैं उनका ट्विटर अकाउंट देखता हूं तो सबसे ऊपर जो ट्वीट दिखता है वो 29 जनवरी 2020 का दिखता है। वो कह रहा है, कुणाल कामरा के रिप्लाई में वो लिख रहे हैं और केतकर साहब लिख रहे हैं, यू आर सो मच बेटर देन अर्नब एंड दिस गवर्नमेंट हैज जस्ट प्रूवन इट, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, रेस्ट अश्योर्ड एवरी डिक्टेटर इज अफ्रेड ऑफ ह्यूमरिस्ट एंड हिटलर, एंड हिटलर नॉट ओनली बुचर ट्रेड यूनियनिस्ट एंड ज्यूज बट मेड इट अ पॉइंट टू सेंड ह्यूमरिस्ट टू कैंप्स टू। इस देश की असली समस्या यहां जाकर खड़ी होती है, इस देश के इतने लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार, उनको कुणाल कामरा जैसे कॉमेडियन ह्यूमरिस्ट का सहारा लेना पड़ता है किसी सरकार पर हमला करने के लिए। और ये ठीक वही बयान है, ठीक वही भाषा है जो अरुंधति रॉय, गौतम नौलखा या इस देश में जितने लोग हैं, बार बार ये कहा जाता है ना, जैसे मुझे भी बुरा लगता है कि जब कोई किसी पत्रकार को कह देता है कि अरे कैसे कोई देशद्रोही हो गया, कैसे किसी को आपने गद्दार कह दिया, कैसे ये डिबेट चला दी। लेकिन आप जब इसको पढ़ते हैं तो आप बुद्धिजीवी तौर हो सकता है कि कहें कि नहीं नहीं हम छोड़ देते हैं। अब अरुंधति की क्या समस्या है मैं नहीं जानता हूं, उनका अपना एक माया लोक होगा, साहित्य लोक होगा, जिसमें वो भारत से तो कटी हुई है। लेकिन अगर केतकर साहब को कुणाल कामरा के जवाब में लिखना पड़ रहा है और कुणाल कामरा के जरिए बताना पड़ रहा है कि देश में हिटलर शाही है, देश में नाजियों की तरह सब कुछ हो रहा है, कैंप में ठूस दिया जाएगा, तो क्या हम, आप तीनों लोगों से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये जो सामान्य व्यक्ति होगा जिसको आप कह रहे हैं कि वो हमें पत्रकार कहता है, पक्षकार कहता है, पत्रकार कहता है, प्रेस्टिट्यूट कहता है, क्या उसके दिमाग में क्या समझ में आएगा कि एक पत्रकार क्या इस तरह से लिख सकता है, इस तरह से बात कर सकता है। और मैं पहले दिन से कहता हूं, फिर से स्पष्ट करता हूं कि मैं निष्पक्ष कभी नहीं रहा, मैं हो भी नहीं सकता, क्योंकि मैं जिस दिन पत्रकारिता में आया मेरा बहुत क्लियर कट फंडा है कि जो पक्ष आपको समझ में आए, जो आपको सच लगेगा, उसके साथ पूरी मजबूती से मैं खड़ा होता हूं, मेरा एक पक्ष होता है। जिस दिन लगता है कि गलत है तो कई बार मैंने माफी भी मांगी है कई विषयों पर, लेकिन ज्यादातर मैं कोशिश करता हूं कि जब किसी चीज पे कन्विंस हुआ तब उस पर बोलता हूं। क्या देश के मठाधीश संपादकों ने, पत्रकारों ने बिना खुद को तैयार किए बोलना शुरू कर दिया पिछले 2 दशकों में? क्या पिछले पत्रकारिता में सब ये करने लगे कि नहीं नहीं चूंकि मुझे बोल देना है, सबसे पहले मैं बोलूंगा, अर्ली मूवर एडवांटेज ले लूंगा, कहीं ये समस्या तो नहीं है इसके पीछे? 2014 के बाद क्या हुआ उस सब पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी ने जो कल सोनिया गांधी जी के बारे में कहा, बिल्कुल वो कहीं से भी उसके साथ कोई नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन आज जो कल रात में, बीती रात जो हमला हुआ अर्धरात्रि में, उसके खिलाफ भी कोई पत्रकार तो नहीं खड़ा हो सकता, उसके साथ उसका खिलाफत करेगा किसी भी धारा का हो, मैं ऐसा मानता हूं।
ठीक है, क्योंकि आपने कुमार केतकर साहब को स्पेसिफिकली एक सवाल पूछा है, तो मैं, मेरा ख्याल है इसको उनको रेस्पॉन्ड करने का मौका मिलना चाहिए पहले। मैं कह सकता हूँ, मुझे लगता है ये थोड़ा जो विषय है वो बिक्स हो गया है। कुणाल कामरा के डिफेंस में नहीं गया था, कुणाल कामरा के बारे में मुझे एक संपादक होते हुए मुझे पूछा था, और मैं इतना ही कह रहा था, और वो सच भी है, वो भी मान लेंगे कि जो जो बड़े डिक्टेटर रहे उनको ह्यूमर पसंद नहीं आता है। उसी तरह मैं कह रहा था कि कुणाल कामरा का ह्यूमर मोदी को पसंद नहीं है या अर्णब गोस्वामी को पसंद नहीं है। जिसको वो पसंद नहीं है वो हिटलर की विचारधारा मानता है, क्योंकि कोई भी डिक्टेटर ह्यूमर को पसंद नहीं करता। जैसे कि चार्ली चैपलिन ने द ग्रेट डिक्टेटर जब फिल्म निकाली, वो मुसोलिनी और हिटलर पे निकाली, और जब वो पिक्चर निकाली तो बहुत सारे देशों में जहां हिटलर को मानने वाले लोग थे, सिर्फ जर्मनी नहीं, उन्होंने वो फिल्म पे बैन कर दिया। याद रखो वो जब फिल्म निकाली थी वो हिटलर पावर में थे, 1940 की फिल्म है, और हिटलर जीत रहे थे, ऑस्ट्रिया उन्होंने जीता था, और फिर भी चार्ली चैपलिन ने वो रिलीज की। मतलब वो हिटलर के खिलाफ थे, क्योंकि हिटलर को ह्यूमर पसंद नहीं आता है, इसके लिए उन्होंने ह्यूमर का यूज किया था। तो इसमें क्या, मैं अभी भी डिफेंड कर सकता हूँ कि कोई भी डिक्टेटर हो उसको ह्यूमर पसंद नहीं है, और जिसको ह्यूमर पसंद नहीं है वो डिक्टेटोरियल टेंडेंसी का आदमी है। ये सिंपल फॉर्मूला है, मुझे कुछ गलत नहीं लगता। तो ये जो उदाहरण दिया है वो गलत, मेरी विचारधारा जरूर है, और जो कोई इस तरह की डिक्टेटरशिप की लाइन चलाएगा उसके खिलाफ ह्यूमर यूज करो या रेगुलर लॉजिकल पॉइंट कन्विक्शन का यूज करो, जरूर करना चाहिए, दैट इज डेमोक्रेसी। हाँ, तो ये सवाल, और मैं इस सवाल को हर्षवर्धन आपके पास ही वापस लाऊंगा, जो अब केतकर साहब ने अपनी बात कह दी उस पर साफ किया उन्होंने, लेकिन 2014 के पहले हमने, आपने सबने दुनिया देखी है, ठीक है, यहाँ कुमार केतकर साहब हम सबसे बहुत बुजुर्ग हैं, मैं आपसे बहुत बुजुर्ग हूँ, आशुतोष भी मेरे साथ के हैं, लेकिन 2014 के आप बुजुर्ग हैं कि नहीं है, ऐसी कोई बड़ी खास बात नहीं। केतकर साहब एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 बरस प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत दफा मुझे उनके ऊपर क्रिटिसिज्म करने का मुद्दा आया था और मैंने किया भी था, लेकिन मुझे कभी डर नहीं लगा। मोदी साहब आने के बाद जो कोई क्रिटिसिज्म करता है उसको जिस तरह से ट्रोल किया जाता है, और वो ट्रोलर्स को किसी को कंट्रोल नहीं किया जाता है, ट्रोलर्स को एनकरेज किया जाता है, कम से कम 600 ग्रुप्स है कि जो सिर्फ ट्रोलिंग का ही काम करते हैं, और उनमें मोदी जी के फॉलोअर्स है, तो डेफिनेटली इनका सपोर्ट है वो ट्रोलर्स को। तो इस तरह मनमोहन सिंह के ऊपर जब क्रिटिसिज्म करते थे, इंदिरा गांधी के ऊपर क्रिटिसिज्म करते थे, वाजपेयी साहब के ऊपर क्रिटिसिज्म करते थे, तब कि कोई भी पत्रकार के दिल में डर नहीं था। लेकिन 14 साल के बाद ये फर्क हुआ है कि जो कोई पत्रकार क्रिटिसिज्म करता है उसको एक डर लगता है, क्योंकि वो डर उसके दिल में नहीं है, वो बाहर आता है, उसको जिस तरह से ट्रोल किया जाता है, जिस तरह से धमकियां फोन पे आती है, लेटर से आती है, विदाउट नेम जो लेटर आते हैं उससे उसको डराया जाता है। अभी कोई कोई पत्रकार है जैसे आशुतोष है, वो भी डरे नहीं है, तो ऐसे भी पत्रकार है, लेकिन बहुत सारी पत्रकारिता में ये डर का माहौल है, जिसको फियर साइकोसिस कहते हैं। जी, ये आप कह रहे हैं, मैं एक्चुअली यही बात पूछने जा रहा था कि ये बात सही है कि आप कह सकते हैं कि कुमार केतकर का ये विचार है, आपका ये विचार है, मेरा कुछ विचार है, आशुतोष का विचार है, आज भी लोग इन्हें आम आदमी पार्टी का विचारक बताते हैं, हालांकि ये उस पार्टी से अलग हो गए हैं, उसकी खूब आलोचना करते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि 2014 के बाद, 2014 के ठीक पहले इस देश में उस वक्त कुर्सी पर बैठे हुए प्रधानमंत्री के बारे में जिसकी जो मर्जी आए वो बोल सकता था, कितनी तरह के आरोप नहीं लगाए गए हैं, जो आज कुर्सी पर बैठे हुए प्रधानमंत्री हैं इन्होंने रेनकोट पहनकर नहाने की बात कही, और उसके बाद पिछले 6 साल में क्या हुआ है, बदला क्या है, बदला यही है कि अब एक पूरा, आप उसे क्या कहेंगे, उसको गैंग भी नहीं कह सकते हैं, गिरोह भी नहीं कह सकते हैं, एक परिवार कह सकते हैं, मीडिया के अंदर एक ऐसा परिवार पैदा हो गया है जिसका काम अब सरकार से सवाल पूछना नहीं है, उसका काम सरकार पर सवाल उठाने वालों से सवाल पूछना हो गया है। ये क्या है, इस फेनोमेना को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हर्षवर्धन, बड़ा अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछ दिया, और मैं इस सवाल का इंतजार भी कर रहा था। संयोगवश 2014 नवंबर 2014 में मैं आखिरी जिस चैनल में था उसका नाम था P7 न्यूज, वहां मैं बिजनेस एडिटर की हैसियत से काम करता था,
और वो चैनल अचानक बंद करने की उनके मालिकों ने तय किया और उसके खिलाफ मैंने लड़ाई की। और ये मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि सारे पत्रकारों को सैलरी दिला के, जब लोग छटनी कर रहे थे और देश में बड़े बड़े संपादक अपने लोगों को सैलरी नहीं दिला पाए, तो हमने अपने संस्थान में पत्रकारों को सैलरी दिलाई, संस्थान से लड़ाई लड़ी, पीएफ ऑफिस से लेके थाने से लेके धरना प्रदर्शन भी किया। 7 दिन में रिसेप्शन पर मैं अपने घर से नहाने धोने आता था, ये मैं बता रहा हूँ रिकॉर्ड के लिए। 250 लोग थे संस्थान में मेरे साथ, इसलिए वो जानते हैं। पहले तो मेरे ही खिलाफ FIR करा दी थी मैनेजमेंट। ये मैं क्यों बता रहा हूं, मैंने जब उस संस्थान से नौकरी छोड़ी तो नौकरी क्या छोड़ी, चैनल उन्होंने कहा कि हम बंद कर देंगे, हमने कहा आप बिना 3 महीने की सैलरी दिए नहीं बंद कर सकते, सैलरी दीजिए बंद कीजिए, ये आपका संस्थान है। लेकिन पूरे देश में एक माहौल बनाया गया और जगह जगह जो बड़े संपादक बैठे थे, जो बरसों से संपादक रहे, लेकिन जब वो उस संस्थान को छोड़कर गए, जब उस जगह से निकले, और कुछ लोगों का मैं नाम नहीं लूंगा, संयोग से उनमें से यहां कोई नहीं है, लेकिन उन लोगों ने बाहर जाकर उसको क्रिएट किया कि पीएमओ से फोन आता था, उन्होंने जाकर कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय का फोन आता था, खबरें रुकवाई जाती थी, और अंत में उन्होंने नाखून कटाकर वो शहीद हो गए, और उन्होंने कहा कि देखिए इसीलिए हमें नौकरी से निकाल दिया गया। अब आज की तारीख में जब मैं ये बताता हूं, मैं उस बात का जिक्र आमतौर पर बहुत कम करता हूं, लेकिन शायद ही कोई न्यूज रूम रहा हो जहां किसी संपादक ने किसी में एक बार मजाक में भी न कहा हो कि अरे जब कोई वैसी बात होगी तो संघी खाकी निकल रहे क्या पैंट के नीचे। ये आज आप जो कह रहे हैं कि पक्षकार हो गए, पत्रकार हो गए, पत्रकार हो गए, प्रेस्टिट्यूट हो गए, दरअसल ये आज उसकी परिणति है। लोग ये समझ रहे हैं कि आज की प्रतिक्रिया में सब हो रहा है, ये बरसों से इस देश में संघ के ऊपर एक आरोप लगा महात्मा गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे के विचार का, उसके बाद संघ से उस वक्त जो भी जो ज्यादा पढ़ने लिखने वाले लोग हैं सब जानते हैं, निश्चित तौर पर गांधी जी से एक बहुत बड़ा वर्ग उस वक्त नाराज हुआ, उसमें गोडसे ने हत्या की, और हम सब लोग मानते हैं कि गांधी हत्यारा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रवक्ता वैद्य जी ने कहा कि वो गांधी जी का हत्यारा है गोडसे, गोडसे हत्यारा है। इसके बावजूद हर दूसरे दिन राहुल गांधी बोलते हैं, राहुल गांधी के साथ पूरी की पूरी एक बड़ी पत्रकार बिरादरी जिसमें संपादक ज्यादा है वो इसी अंदाज में बात करते हैं, और सामान्य पत्रकार, ट्रेनी, इंटर्न पत्रकार, वो भी बैठा हुआ है, बहुत अच्छी कॉपी लिख रहा है, फिर भी उसको बोल दिया अरे संगियों क्या खाकी निकर है क्या तुम्हारे पैंट के आगे। और ये जब मैं बोल रहा हूं तो ये दूसरे का अनुभव नहीं बता रहा हूं, 2 दशक से ज्यादा मैं भी वेब, टीवी, अखबार सब में काम करने के बाद, और नवंबर 14 में मैंने तय किया कि नहीं करूंगा किसी की नौकरी, और वो ऐसा नहीं कि प्रस्ताव नहीं थे, अभी भी प्रस्ताव है, लेकिन मैंने तय किया कि नहीं करूंगा, क्योंकि आज के माहौल में आप जहां हैं वहां निश्चित तौर पर मीडिया भयानक बट गया है, हर न्यूज चैनल, हर अखबार, उसकी एक लाइन है, पहले भी लाइन होती थी, कितनी लाइन होती थी कि द हिंदू के एन राम, वो बाकायदा कार्ड होल्डर, बाकायदा कार्ड होल्डर कम्युनिस्ट पार्टी के, और वो संपादक के तौर पर, मालिक के तौर पर खबरें करते हैं, लेकिन हम उस पर सवाल इसलिए नहीं उठाते हैं क्योंकि तब सोशल मीडिया नहीं था। आज भी आप बताइए ना, क्या ऐसा हुआ क्या कि अर्नब गोस्वामी ने कोई टिप्पणी की और सारे न्यूज चैनल पिल पड़े? लेकिन कमाल की बात ये कि सोशल मीडिया पर भी इसकी शुरुआत करने वाले राजदीप टिप्पणी करेंगे, बरखा टिप्पणी करेंगी, टिप्पणी करेंगी, ये कौन लोग हैं? ये सब एक ही NDTV में एक साथ काम किए हुए लोग हैं, तो क्या इनकी अपनी जो कल्चर थी, वर्क कल्चर, उसमें समस्या थी? क्या इनकी संधाइश में प्रणय रॉय ने दिक्कत की थी? मुझे लगता है जब हम इन चीजों को देखते हैं तो ये देखें कि ये सारी जो बहस, जो विभाजन की मीडिया में बहस चलाई है, वो एक ही खांचे से, एक ही जगह से निकले हुए पत्रकारों ने चलाई है, जो संपादकीय पदों पर बैठे हैं, दो अलग अलग पोजीशन में। हर्षवर्धन, एक आर्मी है, आप इसको एक जगह ले गए कि एक जगह एक संस्थान से निकले हुए उन लोगों का पुराना झगड़ा था, वो बाहर आके ऐसा लग रहा है कि दो विचारधाराओं का झगड़ा हो गया है। लेकिन मैंने भी बहुत जगह, विभिन्न जगहों, मतलब अलग अलग तरह की जगहों पर काम किया है। मैंने ऐसे न्यूज रूम में काम किया है जहाँ एक्सट्रीम लेफ्ट यानी कि नक्सलवादी लोग काम करते थे, और साथ में नक्सली लोग भी काम करते थे, और वो दोनों एक दूसरे से इस भाषा में बात करते थे जो भाषा आपने अभी बताई। वो पीछे कहते थे ये तो कॉमरेड है, और दूसरा कहता बिल्कुल। ये एक छोटी सी बात मैं जोड़ दूं, मैंने जिन जिन के साथ भी, जिन भी न्यूज रूम्स में काम किया है, कभी मुझे काम से कभी कोई समस्या नहीं हुई। और कमाल की बात मैं आपको बताऊं,
जिस रिपब्लिक भारत में अर्णब गोस्वामी इस तरह से चीखते हुए और एक पूरा पक्ष बन गया है, कांग्रेस के प्रवक्ता उनको गालियां दे रहे हैं, बहुत घटिया दर्जे की गालियां दे रहे हैं, उस न्यूज रूम में भी अर्णब के साथ भी काम करने वाले ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो अलग पक्ष के अभी भी हैं। मैं किसी का नाम नहीं बताना लेना चाहता, और ये सब जगह है, ये ऐसा नहीं है कि किसी एक संस्थान में, और ये होता ही है। लेकिन ये जिम्मेदारी ऊपर के लोगों थी जिन्होंने ये जिम्मेदारी समझ लिया कि नहीं, हम तो सरकार चलाएंगे, हम मंत्री बनवाएंगे, हम तय करते हैं कि क्या होता है, उनकी वजह से दूसरे लोगों को करने की हुई, और बाद में उसी को प्रेस्टिट्यूट, पत्तलकार, पक्षकार और सब में कहा गया, जो बेहद शर्मनाक है और पत्रकारिता के पूरे के पूरे कहें कि इस परिदृश्य को धूमिल करता है। आशुतोष, आपको मैंने सवाल पूछा था पहला, वो शायद आप सवाल मेरा सुन नहीं पाए थे। मैंने पूछा ये था कि आप अब आप राजनेता, पत्रकार, विचारक, ये सब जो अपने अलग अलग फैकल्टीज हैं, उनके बीच में भेद कर पाते हैं, जो हर्षवर्धन कह रहे हैं कि ये एक संस्थान से, और ये है कुछ व्यक्तियों के बारे में सही है कि किसी एक न्यूज रूम में ये सब साथ काम करते थे, कोई पुरानी राइवलरी थी, मेरे आपके बीच हो सकती है, आज तक में हम काम करते थे, उस समय का कोई झगड़ा हो आज हम निकाल लें, लेकिन क्या ये इतना सिंपल है, या ये, और जैसे कहा गया कि लोग संघी संघी कह के चिढ़ाते थे, तो क्या एक पूरा संगठित प्रयास हुआ है कि अब हम इस नैरेटिव को उल्टा कर देंगे? आलोक, मुझे अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मुझे 2014 के पहले किसी ने फोन करके माँ बहन की गालियां नहीं दी मुझे, या मुझे इस बात का डर नहीं लगा कि मेरी पत्नी की फोटो मेरे साथ अगर कहीं हो जाएगी तो फिर उसका चरित्र हनन क्या किया जाएगा। मैंने अपनी बहन को कह रखा, मैंने अपनी पत्नी को कह रखा, और मैंने अपने तमाम दोस्तों रखा है कि आप लोग कृपया अपने साथ मेरी फोटो ना ले, अगर आपको यकीन ना हो तो अभी आप ट्विटर में चले जाएं, और उसके बाद आप, मैंने 7 साल हो गए मैं कभी ट्विटर के नोटिफिकेशन में जाता ही नहीं हूं। और अब की हालत, ये कल की बात मैं बता रहा हूँ, कल मुझे फोन करके एक आदमी ने गालियां दी, नासिक का रहने वाला था, उसके 2 दिन पहले मुझे फोन करके गालियां दी, मुझे बाकायदा लाइव उसमें कहा गया कि साले तू बाहर निकलेगा मैं तेरी जान ले लूंगा। ये काम कभी 2014 के पहले नहीं हुआ, कभी लिखने के पहले कभी सोचा भी नहीं। और जो लोग आज मुझे सर्टिफिकेट देते हैं और मेरे नाम को लेके तमाम तरीके की बातें करते हैं, उनको शायद मालूम नहीं है कि मनमोहन सिंह के साथ जितनी आलोचना मैंने की उतनी शायद इस देश के अंदर बहुत कम लोगों ने की होगी, लेकिन मुझे उसका, मैं उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहता। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि दरअसल ये जो पूरी की पूरी कोशिश है, कोशिश ये नहीं है कि एक विचारधारा दूसरी विचारधारा को रिप्लेस करे, ये हर विचारधारा के अंदर होता है। जब कांग्रेस पार्टी आएगी तो जाहिर सी बात है वो संघ की विचारधारा को रिप्लेस करने की कोशिश करेगी और अपनी हेजेमनी को एस्टैब्लिश करने की। मुझे इसमें बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, अगर कांग्रेस के समर्थक पत्रकार होंगे तो संघ के समर्थक पत्रकार भी होंगे। तकलीफ कहाँ पे होती, तकलीफ ये होती है जब आप एक फेक न्यूज को उठाएंगे और उस फेक न्यूज के आधार पर आप दिन भर उस पर डिबेट डिस्कशन करेंगे और एक पार्टी विशेष के प्रवक्ताओं को सिर्फ माँ बहन की गालियां नहीं देंगे बल्कि सब कुछ उसके साथ टीवी चैनल के ऊपर करेंगे। और ये पहली बार मैं देख रहा हूं इस देश के अंदर कि सरकार में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ एक शब्द बोलना अपराध है। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, इस सरकार में किसी भी टीवी चैनल को ले लीजिए, मैं सिर्फ दो चार की बात नहीं करता, एक भी टीवी चैनल का एक भी संपादक ऐसा नहीं है जो आज नरेंद्र अमित शाह से 2 सवाल पूछने की हिम्मत या हिमाकत कर सकता है। लेकिन रोजाना राहुल गांधी को, अरविंद केजरीवाल को, तमाम लोगों को नाम लेके जिस भाषा का इस्तेमाल बीजेपी के प्रवक्ता करते और एंकर करते हैं वो शर्मनाक है, वो पत्रकारिता नहीं, वो पता नहीं क्या क्या चीज है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि संघ के लोगों को इस बात पर आपत्ति क्यों थी अगर उनको कर कहा जाए, मुझे तो जिंदगी भर लोगों ने कहा तू लेफ्टिस्ट है, तू जेएनयू वाला है, भी तो फलाना, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, मेरे अंदर ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं था, मुझे लगता था अगर कोई मेरे को लेफ्टिस्ट बोला, हालांकि मैं कभी लेफ्टिस्ट नहीं रहा, तो मेरे अंदर तो गर्व की अनुभूति होती थी कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मुझे मार्क्स पता है, मुझे लेनिन पता है, मुझे दुनिया के तमाम रोजा लग्जमबर्ग पता है, और मैं अच्छी डिबेट कर सकता हूं इन तमाम, मुझे ग्राम्सी पता है। सवाल कहां पे, सवाल यह कि आज जो विचारधारा इस देश के ऊपर हावी होना चाहती है ये एंटी इंटेलेक्चुअल है, पढ़े लिखे लोगों से इसको नफरत है, जो क्रिएटिव लोग हैं उनको ये पसंद नहीं करना चाहता क्योंकि ये सीधे चैलेंज करते हैं, इनको अधूर गोपाल कृष्णन से प्रॉब्लम है, इनको श्याम बेनेगल से प्रॉब्लम है, इनको अरुंधति रॉय से प्रॉब्लम है, इनको अमर्त सेन से प्रॉब्लम है, इनको बनर्जी से प्रॉब्लम है जिनको अभी नोबेल प्राइज मिला है, इनके इस देश के अंदर जितने भी पढ़े लिखे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया है, हर उस व्यक्ति से इस सरकार को प्रॉब्लम है और संघ की विचारधारा रखने वाले लोगों को प्रॉब्लम है।
गौतम नौलखा की विचारधारा से मैं अलग हो सकता हूं, अरुंधति राय की विचारधारा मुझे पसंद नहीं हो सकती है, लेकिन अरुंधति राय को देशद्रोही की कैटेगरी में खड़ा करने वाले लोग क्या खुद देशद्रोही नहीं है? ये सवाल पूछा जाना चाहिए इस देश के अंदर। मैंने तो कभी नहीं कहा कि सावरकर देशद्रोही है, मैंने तो कभी नहीं कहा कि गोलवलकर देशद्रोही है, मैंने तो कभी नहीं कहा कि नाथूराम गोडसे देशद्रोही, क्योंकि मेरा अपना मानना यह है कि सावरकर गोलवलकर इनकी अपनी एक अलग विचारधारा थी। हम जहां डिफर करते हैं, गोडसे ने अगर गांधी जी की हत्या की इसलिए पूरा देश उनको कंडेम करता है, गोलवलकर ने अपनी किताबों में जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा किया और लिखा है वो कंडेमेबल है, लेकिन क्या वो देशद्रोही की श्रेणी में रखे जाएंगे? क्या सावरकर ने जो इतिहास की व्याख्या की है और इस स्तर पर ले जाके वो मुसलमानों के बारे में बात करने लगते हैं, क्या उस आधार पर हम उनको देशद्रोही कर दें? बिल्कुल नहीं। विचारधाराएं अलग अलग होती है, विचारधाराओं के आधार पर किसी को देशद्रोही बता देना और उसको कंडम कर देना, उसके खिलाफ नफरत का माहौल पैदा कर देना और उसी तरीके से नफरत का माहौल पैदा कर देना, जैसे कि सरदार पटेल ने गोलवलकर को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि जो नफरत का माहौल आप लोगों ने बनाया है उस नफरत ने गांधी जी की हत्या की है। मैं आज आपके सामने कह सकता हूं कि जो नफरत का माहौल इस वक्त मेरे जैसे लोगों के खिलाफ बनाया जा रहा है, अगर कल मेरा कत्ल हो जाएगा। ये सिग्नल की समस्या हो रही है इसलिए आशुतोष का ऑडियो यहाँ पे कट गया। आशुतोष जो बात कह रहे थे, जहाँ पे वो बात खत्म कर रहे थे, वो कह रहे थे कल अगर मेरा कत्ल हो जाए तो इस पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मेरे लिए ये सपने में भी मैं नहीं सोच सकता था कि गौरी लंकेश की हत्या हो जाएगी। गौरी लंकेश हमारे समय की एक प्रतिभाशाली और जज्वल्यमान पत्रकार थी, उनकी जिस तरह से हत्या हो गई उसके बाद सचमुच ये माहौल खतरनाक हो गया है, इसमें डर लगता है। ये बात सही है, ये एक बहुत लंबी डिबेट है, ये डिबेट के कई आयाम हैं और इस पर हम अनंत काल तक चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वक्त की कमी है तो अब यहाँ ये बात खत्म करनी पड़ेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों से एक आग्रह है, उसके बाद मैं एक शेर सुनाऊं, उससे पहले दर्शकों से एक आग्रह है कि वन आलोक जोशी मेरा यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में घंटी बजा दें। इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसे देखें और अगर उनको पसंद आता है तो वो भी इधर आने का कष्ट करेंगे। और अंत में मैं दुष्यंत कुमार की कुछ लाइनों के साथ खत्म करूंगा। दुष्यंत कुमार हमारे दौर के बहुत मशहूर हिंदी गजल के लेखक हैं और ये लाइनें आपने बहुत बार सुनी होंगी, लेकिन हर बार जिस बार जब ये इस्तेमाल होती है तो लगता है कि ये इस वक्त के लिए, आज के लिए लिखी गई है। तो साये में धूप उनकी कविता है, कविता संग्रह है, उसमें से ये ले रहा हूं। तो दुष्यंत ने लिखा है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। पत्रकारिता के नाम पर पक्षकारिता हो रही है, पत्तलकारिता हो रही है, इस पर आपके विचार होंगे, उन्हें हमारे साथ साझा करें। लेकिन मैं उम्मीद ये करता हूं कि हर तरफ कहीं ना कहीं कोई ना कोई पत्रकार ईमानदार पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहा है, करता रहे, उसके सीने में वो आग जलती रहे जो आग हमारे सीने में पता नहीं अब बची है कि नहीं। इसी के साथ आज्ञा चाहता हूं, धन्यवाद, नमस्कार।